नमस्कार, आप देख रहे हैं धनगर शक्ति न्यूज पर समाचार। आगरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। खैरागढ़ थाना पुलिस ने डकैती की घटना का किया खुलासा। रेकी की घटनाओं को अभियुक्त देते हुए अंजाम। पुलिस ने 3 साथी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। जिले के 4 थानों में हुई घटनाओं को पुलिस ने किया अनावरण। पूर्व में भी 7 चोर जा चुके हैं जेल। गैंग बनाकर लूट और चोरी की डकैती की घटनाओं को देते थे अंजाम। पुलिस ने 7 बदमाशों से 3,70,000 कैश, 1 बुलेट गाड़ी, सोने के आभूषण किए बरामद। पुलिस ने लगभग 15 लाख का माल किया बरामद। थाना खैरागढ़ पुलिस ने 3 बदमाशों को भेजा जेल। 3 अभियुक्त अभी भी फरार चल रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता विजय बघेल की यह रिपोर्ट। गिरफ्तार किया है, किस तरह का गिरोह है, कितनी वारदातें इसने की हैं, बरामद की इसके पास से क्या क्या हुई है? विगत पिछले 4-5 महीने में जनपद आगरा में कई बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, जिसमें से खैरागढ़ में एक डकैती की भी घटना हुई थी। इसके अलावा रिसेंट में खैरागढ़ में एक कूरियर कंपनी के यहाँ बड़ी चोरी की घटना हुई। इसके अलावा 3 और घटनाएं हैं, जिसमें एक ताजगंज में मई के माह में एक चोरी हुई थी, जिसमें कि एक रिवॉल्वर भी गया था, साथ में उसके 23 कारतूस भी गए थे। इसके अलावा थाना राजनगर में चोरी की घटना हुई थी और थाना कंदौली हुई थी। कुल 5 घटनाओं का खुलासा हुआ है, जिसमें 2 थाना क्षेत्र खैरागढ़ की हैं, 1 कंदौली, 1 राजनगर और 1 ताजगंज। इसमें कुल जो अभियुक्त पकड़े गए हैं, 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं, जिनका नाम है कौशल पुत्र दीवान सिंह, ललित उर्फ खिलौना, तीसरा गौरव प्लाजा पुत्र जमिंदर। जो अभी फरार अभियुक्त हैं उनके नाम हैं शीतल पुत्र घमंडी, कोमल पुत्र ओम प्रकाश, निकी बग्गा पुत्र ओमवीर। ये सभी जनपद आगरा के ही रहने वाले हैं। 5 इसमें से थाना फतेहपुर सीकरी के हैं, 1 बागाबंद के। इन लोग का जो मोडस ऑपरेंडी है, इन लोग का एक पूरा गैंग है, जो कि अलग अलग घटनाएं इन्होंने पारित करते हैं, जिसमें से किसी एक बंदे ने रेकी कर लिया, उसके साथ अपने किसी भी 2 लोग 3 लोग 4 लोग 5 लोग को साथ में ले आते हैं, फिर ये घटना ऐसी करते हैं। इसमें जो सारी बरामदगी हमने थाना खैरागढ़ और बाकी थानों की पुलिस में मिलकर जो बरामदगी की है, उसमें एक बुलेट मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। ये जो बुलेट मोटरसाइकिल के बारे में जब इससे पूछताछ की गई, तो इसने बताया कि जो कूरियर कंपनी के यहाँ इन्होंने चोरी की घटना कारित की थी, उसके बाद से जो इसमें से एक अभियुक्त के पास जो इसके हिस्से का जो पैसा आया, उसने उसमें से 60,000 रुपये डाउन पेमेंट करके अभी 4-5 दिन पहले ही ये इसने एकदम बिल्कुल ब्रांड न्यू बुलेट मोटरसाइकिल ली है। इसके अलावा 3,70,000 रुपये नकद बरामद हुए हैं, जिसमें से 3,50,000 रुपये बताया जो पूछताछ से मालूम चला है 3,50,000 रुपये पूरे कंपनी के हैं, और जो बाकी जो 20,000 रुपये हैं, ये जो ताराचंद जी के यहाँ जो घटना डकैती की कारित की गई, उसमें कुल 80,000 रुपये गए थे, इसमें से 1 अभियुक्त ने अपने हिस्से का जो 20,000 रुपये था वो बरामद कराया है। इसके अलावा जो ताजगंज में रिवॉल्वर की घटना हुई थी, उसमें एक रिवॉल्वर मिला है, 6 जिंदा कारतूस, 32 गोले मिले हैं। इसके अलावा सोने चांदी की धातु और सफ़ेद धातु के काफ़ी ज़्यादा आभूषण मिले हैं, जिसमें मंगलसूत्र, अंगूठी, झाले, झुमकी, चूड़ी, झूमर, नथ, कान के टॉप, छाप अंगूठी, लर, इसके अलावा पायल है, बिछिया है, करौनी है, कई मतलब कई इसमें जो आभूषण थे, कई अलग अलग घटनाओं में इन्होंने जो चोरी की थी बरामद हुई। इसके अलावा जो लोहे की रॉड से जो इन्होंने ताराचंद के ऊपर प्रहार किया था, जिसकी वजह से ये मरणासन्न स्थिति में पहुंच गए थे, वो लोहे की रॉड भी बरामद हो गई है। और जो मोबाइल जो पूरे कंपनी के यहाँ से उन्होंने चोरी किया था, उसमें मोबाइल भी 4 गए थे, उसमें से 1 मोबाइल और मोबाइल का डिब्बा बरामद हो गया है। तो कुल ये बरामद की है, और इसमें 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं, 3 अभियुक्त फरार हैं। एक दिन जो पकड़े जो बचे हुए हैं अभियुक्त हैं, इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। पहले भी इनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, पहले भी ये लोग जेल गए हैं, आपराधिक क्रिमिनल रिकॉर्ड इन लोग का अच्छा खासा है, और आपराधिक रिजल्ट के लिए सभी अभियुक्त हैं।